clean ho gaya, half the balcony is clean, half the balcony is not clean. हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत. वेलकम टू माय चैनल पद्मास यूनिवर्स. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए. इट्स एब्सोल्युटली फ्री और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन पे ज़रूर हिट करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए. और कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. तो पद्मास यूनिवर्स इज ऑल अबाउट फूड, पीपल एंड प्लेसेस. तो मैं रेसिपी वीडियोस के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल वीडियोस और ट्रैवल वीडियोस और व्लॉग्स भी करती हूँ. इस वीडियो में थोड़े से आपको बैकग्राउंड नॉइजेस सुनाई देंगे तो उसके लिए मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिए और इग्नोर करिए क्योंकि मैं विदाउट माइक बात कर रही हूँ. माइक नहीं है मेरे पास तो बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत ट्रैप होते हैं. और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिए. Namaste and a grand welcome to Padmas Universe. And today's episode is going to be very, very, really, really special. बहुत ही special खास होने वाला है आज का episode. But before that, quickly let me tell you few little things. कुछ लोगों के comments आए थे कि मैं हिंदी में बात नहीं करती हूँ. हिंदी आई नो, मुझे आती है हिंदी एंड आई लव हिंदी. बट ओनली थिंग इज दैट मैंने कभी vlogs नहीं किए इसके पहले और एक बहुत ही नया experience है मेरे लिए. तो स्टार्टिंग से ही मैं इंग्लिश में करते जा रही हूँ. इट डजंट मीन दैट आई लाइक टू टॉक इंग्लिश और मुझे बहुत मज़ा आता है इंग्लिश बात करने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आई डेफिनेटली प्रेफर टॉकिंग हिंदी मोर देन इंग्लिश. पर ये ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने की क्योंकि आई हैव टू गेट यूज टू वो फ्लो, ज़रूरी है तो सो दैट आई गेट मोर कम्फर्टेबल और मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ जो मैं बोलना चाह रही हूँ. तो आज का जो ब्लॉग है दिस इज़ अबाउट माय बालकनी मेकओवर. इसका जो फर्स्ट एपिसोड था मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था. मेरा ये जो छोटू सा बालकनी है इट हैज़ अ वेरी नैरो स्पेस. मैं दिखाऊंगी, इसके पहले भी शायद आपने देखा होगा. तो ये जो बालकनी है इसमें मेरा जो प्लान था, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं बहुत, जैसे कपड़े सुखाने के लिए. मेरे पास ऑल तीन बालकनी टोटल इन ऑल मेरे घर में चार बालकनी है. तो ये जो बालकनी है इसमें हम कुछ भी नहीं करते. तो मुझे लगा कि ये जो स्पेस है इसको थोड़ा सा बेटर यूटिलाइज़ करें. नॉट यूजिंग दिस बैल्कनी तो उसको एक स्टोर रूम जैसा मैं यूज़ कर रही थी. जितना भी घर का जो लेफ्ट ओवर पेंटिंग डब्बा ब्रश जो भी अनयूज्ड जंक थे उसको मैं इस बैल्कनी में रखती थी, विच इज़ वेरी बैड. तो लास्ट जो एपिसोड था, आई विल गिव यू द लिंक बिलो, जो पार्ट वन है, प्लीज़ डू चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी. तो लास्ट जो एपिसोड था उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया. सारे जो जंक थे उसको एक जगह मैंने इकट्ठा करके उस साइड रखा था और उसी जगह पे मैं एक सीटिंग क्रिएट करने वाली हूँ, बहुत सुंदर सा, कोजी सा, ब्यूटीफुल सा. और जो ऑपोजिट साइड में है मेरे जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मर रहे थे. इट वॉज ऑल ड्राई, आई वॉज नॉट एबल टू टेक केयर. तो लास्ट एपिसोड में मैंने उसको सब कुछ क्लियर किया, गार्डनर को बुलाया, सब कुछ क्लियर किया, जितने भी मिट्टी थे उसको बदले. आई गॉट सम न्यू फ्रेश फ्लावर्स इनडोर प्लांट्स, सो वो सब कुछ किया. तो अभी बालकनी काफ़ी क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड ग्रीन फ्रेश लग रहा है. एक साइड तो क्लीन हो गया, हाफ द बालकनी इज क्लीन, हाफ द बालकनी इज नॉट क्लीन. तो चलिए फटाफट से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना मेकओवर स्टार्ट करते हैं. एंड वेलकम टू माय बालकनी, दिस इज हाउ इट लुक्स. अभी बहुत 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 सारा काम बाकी है. बालकनी एज यू सी दी स्पेस इज वेरी वेरी नैरो, बहुत छोटा सा स्पेस है और इसमें बहुत मुश्किल है एक सीटिंग क्रिएट करना. बट द बेस्ट पार्ट इज ये जो बालकनी है यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है. यू कैन सी लॉट ऑफ ट्रीज एंड लॉट ऑफ ग्रीन. सो द अदर साइड आई हैव पुट सम प्लांट्स. सो दिस इज द ओनली कॉर्नर वेयर आई कैन क्रिएट अ सीटिंग स्पेस. सो दिस इज द स्पेस. तो ये अभी मैंने सब कुछ क्लीन किया तो काफ़ी क्लीन. वी वॉश द फ्लोर एंड एवरीथिंग, ऑल द जंक इज गॉन. So let's take the measurements. So बहुत सारा काम है and sorry I am not looking all that presentable, excuse me for that. So measurements. और मुझे बहुत high नहीं चाहिए, it has to be a low lying seating. बहुत high I don't want the legs too high. To start with, I want to create a seating in my balcony, which is a pretty challenging task. पर मुझे seating चाहिए ही चाहिए. I have taken a
rough measurement पर मुझे कारपेंटर से कंसल्ट करना होगा क्योंकि these are my specifications. So कारपेंटर knows better. तो उनके हिसाब से मेरे हिसाब से जो भी इस मतलब यहाँ पे फिट होता है विल गो अहेड विद द मेजरमेंट. टारा, my benches arrived और ये मेरा सीटिंग बनने वाला है और ये कारपेंटर से बात करने के बाद हमने मेजरमेंट्स फाइनलाइज किए. मुझे बिल्कुल ठीक लगा वो स्पेसिफिकेशंस एंड आई वेंट अहेड एंड ऑर्डर्ड इट और ये मेरे पास तैयार बन के आया है. मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये डेप्थ इसका काफ़ी गहरा रखा है क्योंकि आई एम गोना कुशन इट अप. चारों ओर से कुशन लगने वाला है और उसके बाद मुझे काफ़ी सारा सीटिंग स्पेस चाहिए. लेग्स बाहर नहीं निकलने चाहिए और हाँ बैठे तो क्रैम्प्ड नहीं लगना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए. My bench has arrived and I am so happy with it. The finishing is awesome. और ये लगता नहीं है कि कारपेंटर से बनवाया है. In fact, he's done it so professional and बहुत neat finish है इसका. The best part is there is also यहाँ से दिखता नहीं है but there is a storage here. काफ़ी बड़ा storage है. So big. This is waterproof. So I don't have to bother. Even if it rains, this is foolproof. I paid 4,500 for this and the depth is fine. It neatly slides in and when I sit it's pretty comfortable and the best part is I can even use this as a coffee table. It's pretty very comfortable. So let's start assembling. I can't wait to work on this. So jaldi se isko clean karte hain and let's start the makeover because I'm getting so restless. मैं ये वॉल को भी मेक ओवर देने वाली हूँ. सो दी वॉल्स आर ऑल्सो गोना गेट अ मेक ओवर. सो आइडिया बहुत सिंपल है. मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है रिसेंटली, बहुत ही अच्छे प्राइजेस में मिले मुझे एग्जीबिशन से एंड आई गॉट ब्यूटिफुल लवली स्टफ. और मुझे छोटे छोटे क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत पसंद है असेंबलिंग एंड उसको लगाना. तो ये जो तीनों वॉल्स हैं इसमें भी मैं कुछ कुछ डालने वाली हूँ. I got these photo frames from a fair local exhibition. Buddha, of course, I got it from Amazon and I got these beautiful leaves from a shop next door. So, तीनों walls को भी थोड़ा सा facelift देंगे और जो double-sided stickers मैं कहीं पे भी holes नहीं drill करने वाली हूँ. तो I'm gonna be using those double-sided stickers और एक काफ़ी जो frames जो मैंने आपको दिखाया I'll show you the things जो मैं अभी use करने वाली हूँ the props. बहुत lightweight है तो दी डबल साइडेड स्टिकर टेप्स जो है वो इजीली उसका वेट ले लेगा. दीज कुशन्स आर 13 इयर्स ओल्ड. 1-3 जब मेरी नई नई शादी हुई थी आई वॉज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस. तो उस टाइम पे आई वॉन्टेड सम फ्लोर कुशंस. आई डेंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन फर्नीचर्स. तो उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही मेरे पास रखा हुआ था एंड आई एम सो लकी दैट इट एग्जैक्टली फिट्स इन टू दिस स्पेस. तो आई नेवर थॉट कि इसका इतना अच्छा यूज़ मैं कर पाऊँगा. ये भी कुशंस मेरे काफ़ी पुराने हैं, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड. So, ये और ये मैंने एक साथ खरीदा था. I have kept these things preserved, knowing well that one day I'm gonna put them into use. And in fact, these covers, cushion covers, are all custom made. I got the fabric, got it stitched. Yes, they do look old, but old is gold, and I keep them super clean. Quickly, this again. This is a wall hanging. ये भी बहुत पुराना है, 13 year पुराना. ये सब चीज almost एक time पे मैंने खरीदा था. This is a wall hanging जो मैंने walls पे लगाए थे पर अभी मैं इसको बिल्कुल use नहीं कर रही हूँ. 10 साल से ऐसे ही रखा हुआ है. So this I'm planning to put here. So these things are in a very good condition and this is a curtain which again I don't use it much. This is from Fab India. I love Fab India stuff.
So the basics are done. Now let's cushion it up. And guys, sorry for the background noise. I'm not using a mic. So you will hear a lot of background noises. So please excuse me for that. Hardly 5 minutes lage mere ko. So let's do up the walls. This again is a very lightweight frame. It's big but it's very lightweight. I did not remove the plastic cover from the photo frame because it's rainy season and I want to keep it waterproof. So this frame is placed right opposite my ceiling. Guys, it's raining. Please excuse me for the rain sound, but I can join you. So this I bought from Amazon. I forgot how much I paid, but then it's not very expensive. I got this earthen bell. It's made out of clay and I love the way it rings, the sound of it. And I paid I think 50 bucks for this and I am hanging it with a thread because I did not have any other option to hang it. I love buying such cute little stuff and whenever I buy, most of the times I prefer not to bargain because these artisans hardly make money out of them because too much of efforts and time goes into making. This beautiful little piece is again made out of clay and I bought this for 200 bucks. So yes, unless I feel that I'm not being cheated and I don't bargain honestly. But if I feel I'm being cheated, I do bargain to be honest. So I'm gonna hang this up with this S-shaped hook. These hooks are awesome. You can hang a lot of things. It's easily available anyway, utility hooks. I had to bargain for the photo frames because I felt the seller was overtly charging them and on bargaining he reduced the price marginally. Very little, but I'm happy. It's raining. It's raining, guys. I also got these cute little colorful birdies. These are made out of plastic and they cost 10 rupees each. Actually 10 rupees for the smaller ones and 20 rupees for the bigger ones. And they have these strings below and you can fix them up any way you want. I just loved them and I bought a handful of them. So I got these birds from the shop next door and I'm gonna pluck them into my leaves. Small little piece of nature in my balcony. I cannot afford to grow real leaves and have real birds. And this is parrot. These are again made out of clay. This is around 50 bucks or 100 bucks. I got them long time back actually. So I hate caged birds, but I kind of liked this. It's so cute. So this also I'm gonna plug it onto my leaves. And here I have a bunch of fresh green leaves which I got for around 200-300 bucks. I don't remember the price exactly from the local shop. And trust me, though they are artificial, they make so much of a difference to the space. They make the space look green, beautiful and happy. And I got these bunch of yellow flowers complimentary with these green leaves. Actually, I wanted to buy these flowers, but then the shopkeeper said it's the misplaced part of another bunch of flowers and he cannot sell it. So he gave it to me complimentary. And I'm gonna place them like this.
best part is you can keep changing the cushion covers, cushions, the seating cover. So every time you can keep giving it a new look. Perfect time to sit here and have a cup of chai. It's really comfortable. Actually, two people can sit, but then better one person sits. You can arms fold your legs and sit, enjoy the rain, read a book, work on your laptop. You can do whatever you want. I'm looking so tired, but it's worth all the efforts. So let's see the before and after pics.
it's turned out so good, pretty comfortable. You can keep swapping the chairs this side and that side, and sab kuch. This is super. In fact, my little one sleeps here. He fits into like a small bed. And this is just the beginning. There are so many things. I still have many more plans. Like, I want some hanging pots. I would love to cover these existing pots with some nice vibrant colors. I would also love to use fairy lights, which I already have. I just have to figure out the plug points and then make it functional. And include more plants, probably some flowers too. So for now I have used artificial flowers. So yes, the list is endless, and of course I'm gonna keep changing my cushion covers. And I also have a table which exactly fits in here, which can be used as my workstation where I can sit, kids can study. So I am very, very happy. The way I had visualized it, it's turned out exactly the same, and I will keep upgrading it. In fact, yes, I want a nice beautiful curtain, which I already have. Again I have to figure out a place. I need to drill holes, and I need some nice flowy sheer colorful curtain behind this. So yes, I'm gonna keep upgrading my makeover, and as and when I upgrade, I'm gonna keep sharing the pics and videos with you. I feel so good already. If you liked it, please give me a thumbs up, and please do share your comments. It was also raining all this while, and the weather is so good. So that's it. I'm done for the day, and I hope you enjoyed this makeover. This was the most annoying space of my house, and now this has become my favorite spot of the house, my favorite space. Thank you, friends, for watching, and do check out Yummy Treats with Yash, and do not forget to subscribe, like and comment, and take care. See you soon. Bye bye.